दोस्तों मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हम काफी आगे निकल आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मोबाइल की कैमरास की, या तो दोस्तों मैं बात करता हूं मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर की, या तो मैं बात करता हूं फेस सेंसर की, या तो मोबाइल की स्टोरेज को लेकर मैं बात करूं, दोस्तों इन सब में ही अपन मोबाइल की टेक्नोलॉजी में और इसके अलावा भी काफी एडवांस अपन आगे निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों मोबाइल में एक और ऑप्शन है, वो है मोबाइल ओटीजी ऑप्शन। दोस्तों बहुत से लोगों को आज भी इस ओटीजी ऑप्शन का मतलब नहीं पता है और ये नहीं पता कि इससे हम क्या क्या यूज में ले सकते हैं। दोस्तों आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं इस पे आपको ये बताने वाला हूँ, 12 यूजेस बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, टोटल 12 यूजेस आपको मैं ओटीजी के बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को और आसान बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ओटीजी के ऑप्शन के मामले में, तो दोस्तों आज के टाइम में बेसिकली हर मोबाइल में यूएसबी ओटीजी का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो यूएसबी ओटीजी का ऑप्शन है, इसका हम लोग बराबर अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हम इस ऑप्शन के थ्रू किस किस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज इस लिस्ट में बताने वाला हूं, टोटल 12 यूजेस आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीज को अपन यूज में ले सकते हैं ओटीजी ऑप्शन के माध्यम से। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में ओटीजी ऑप्शन है या नहीं है, और अगर आपको नहीं पता है कि हमारे मोबाइल में ओटीजी ऑप्शन है या नहीं है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, और मैं दोस्तों बताता हूं आपको कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं ओटीजी ऑप्शन के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कीबोर्ड की। जी हाँ दोस्तों, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह मोबाइल में भी कीबोर्ड लगा सकते हैं ओटीजी के ऑप्शन के थ्रू। आप एक साइड माइक्रो यूएसबी ओटीजी का ऑप्शन पिन लगाइए, इसके बाद दूसरे टाइप फीमेल जो ओटीजी का ऑप्शन मिलेगा यूएसबी का, उसके थ्रू आप कीबोर्ड को यूज में ले सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर में आता है माउस। जी हाँ दोस्तों, आप यूएसबी ओटीजी के ऑप्शन के माध्यम से माउस का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर में आता है टॉर्च लाइट। जी हाँ दोस्तों, आप टॉर्च लाइट को भी बेसिकली एलईडी लाइट को, या तो छोटी सी जो डीसी करंट से चलती है उस लाइट को, आप अपने यूएसबी ऑप्शन के माध्यम से यूज में ले सकते हैं। और दोस्तों फोर्थ नंबर में आता है स्मॉल फैन। जी हाँ दोस्तों, आप छोटे से फैन को भी यूएसबी ओटीजी के ऑप्शन के माध्यम से यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये चार काम आप बड़ी ही आसानी से अपने ओटीजी ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर मैं थोड़ा और एडवांस जाऊं, तो दोस्तों आप प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर को भी अपने ओटीजी के ऑप्शन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, और इसके बाद आप मोबाइल से ही जो भी प्रिंट देना चाहते हैं उस डेटा को यहां से प्रिंट दे सकते हैं प्रिंटर में। दोस्तों ये हो गया फिफ्थ नंबर। दोस्तों अगर मैं सिक्स नंबर की बात करता हूं, तो बेसिकली पेन ड्राइव को तो हम यूज में लेते ही हैं और बहुत पहले से ही लेते आ रहे हैं ओटीजी माध्यम के थ्रू उसको कनेक्ट करने के लिए। तो पेन ड्राइव को आप कनेक्ट करते हैं तो पेन ड्राइव में जितना भी डेटा है आपके मोबाइल में शो होने लगता है, तो पेन ड्राइव को आप यूज में ले सकते हैं। और दोस्तों आप जो भी डेटा है मोबाइल का, उसका भी, उस डेटा को भी आप पेन ड्राइव में मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों जो नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर, वो है कार्ड रीडर का। जी हाँ दोस्तों, आप ओटीजी यूएसबी के माध्यम से कार्ड रीडर को भी अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके कार्ड में जो भी डेटा हो उसको यहां से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और रीड राइट दोनों ही कर सकते हैं। तो आप कार्ड रीडर को भी अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी ओटीजी के माध्यम से। दोस्तों जो नेक्स्ट है आठवां नंबर, वो है दोस्तों काफी अच्छा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ओटीजी ऑप्शन के माध्यम से किसी दूसरे के मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं, अगर वो मोबाइल ओटीजी ऑप्शन को सपोर्ट करता है तो। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये काफी खास है, काफी अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फीचर फोन है और एक आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप अपने स्मार्टफोन के ओटीजी ऑप्शन को ऑन करके अगर आपका जो फीचर फोन है स्विच ऑफ हो गया, तो आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये काफी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है नाइन्थ नंबर, वो है हार्ड डिस्क का। जी हाँ दोस्तों, आप हार्ड डिस्क को भी अपने ओटीजी ऑप्शन के माध्यम से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद डेटा को आप आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बाद डेटा को आप उसके डेटा को रीड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में। दोस्तों जो टेंथ नंबर है वो है लैन केबल का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लैन केबल को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल से और इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लैन केबल से अपने मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं।
यूएसबी ओटीजी के माध्यम से। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यूएसबी हब का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में यूएसबी ओटीजी का ऑप्शन है तो आप यूएसबी हब को लगा के एक साथ कई डिवाइस को यूएसबी के माध्यम से यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस साथ में कीबोर्ड और माउस को भी लगा सकते हैं, इसके बाद आप साथ में इस पे क्या कहते हैं गेम कंट्रोलर को भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी आप जो भी डिवाइस अगर कनेक्ट करना चाहते हैं यूएसबी हब में तो उसको भी आप साथ में यूज में ले सकते हैं यूएसबी ओटीजी के माध्यम से। तो लास्ट और 12th नंबर है उसका नाम है गेम कंट्रोलर का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ग्राफिक्स कल गेम खेलने के शौकीन है और गेम के साथ आप गेम कंट्रोलर फॉर एग्जांपल वो जो रिमोट होता है PS2 वगैरह में जो देखने को मिलता था, PS3 वगैरह में जो देखने को मिलता था, वो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो यूएसबी ओटीजी के माध्यम से आप उसको भी अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो छोटी सी लिस्ट मैंने आपको बताई है, इसके अलावा दोस्तों लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। ये मैंने बेसिकली यूज आपको बताए हैं कि आप ये सारे काम ओटीजी यूएसबी ऑप्शन के माध्यम से अपने मोबाइल से कनेक्ट करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि आप जिस भी डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं वो डिवाइस भी ओटीजी ऑप्शन को सपोर्ट करने वाला हो। जी हाँ दोस्तों, अगर वो डिवाइस ही ओटीजी ऑप्शन को सपोर्ट नहीं करता है, यूएसबी ओटीजी ऑप्शन को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप उसको कितना भी कनेक्ट कर लीजिए वो आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं होगा और आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट बात आती है कि हम अपने मोबाइल को कैसे चेक करें कि हमारा मोबाइल जो है वो ओटीजी सपोर्ट करता है या नहीं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं, अगर ओटीजी का ऑप्शन होगा तो आपका मोबाइल ओटीजी सपोर्ट करता है। और दोस्तों अगर वहां पे ओटीजी का ऑप्शन नहीं है तो दोस्तों आपके मोबाइल में अगर हार्डवेयर है ओटीजी का, यानी कि जो पिन होती है वो ओटीजी की पिन है आपके मोबाइल में, तो और अगर सॉफ्टवेयर आपके में नहीं तो आप मोबाइल को रूट करने के बाद उस ओटीजी ऑप्शन को सॉफ्टवेयर को मतलब अपने मोबाइल में इनबिल्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप उसका मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर हार्डवेयर ही आपके मोबाइल में नहीं है, वो जो यूएसबी का जो माइक्रो यूएसबी टाइप आता है वही अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो फिर आप यूएसबी का यूज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है या नहीं है? दोस्तों इसके लिए मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दी, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वो स्पेशली एक एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड करिए। आप आसानी से उस एप्लीकेशन को यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो यूएसबी ओटीजी को सपोर्ट करता है या नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और बेसिकली आपको ये जानकारी भी पसंद आई होगी कि ओटीजी यूएसबी ओटीजी के माध्यम से हम क्या क्या यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के टेक्निकल वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।